आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे 3 मार्च को आपका आयोजित हुआ जो टेस्ट है उसके वीडियो सॉल्यूशन की। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है, आपको सूची दी हुई है, आपको उसका सुमेलित करना है, उनका मिलान आपको करना है। सूची एक में आपको गैसों की मात्रा दी हुई है, सूची दो में उनका प्रतिशत है वो दिया हुआ है। गैसों की मात्रा है, गैसों का प्रतिशत है। सबसे पहले गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा है, यदि वायुमंडल में गैसों की मात्रा को 100% माना जाए, वायुमंडल में उपस्थित गैसों की जो मात्रा है उसको कितना माने, 100% माने, तो 100% यदि माने तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 20.94% मात्रा है। ऑर्गन की जो मात्रा है वो कितनी है, 0.93। ऑर्गन की मात्रा है वो कितनी है, 0.93 है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की जो मात्रा है वो कितनी है, 0.03% है। और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जिसकी मात्रा है वो परिवर्तनशील है, क्योंकि विश्व तापमान में जो वृद्धि हुई है वो किसकी मात्रा में वृद्धि के कारण, कौन सी गैस की मात्रा में वृद्धि के कारण, CO2 गैस की मात्रा में वृद्धि के कारण। नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कितनी है, 78.08 कितनी है, 78.08 है। तो ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा है वो कितनी है, 20.94। तो कौन सा ऑप्शन, सेकंड जो ऑप्शन है, तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है, 20.94%। ऑर्गन गैस की जो मात्रा है वो कितनी है, 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है वो कितनी है, 0.03%। और नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा है वो कितनी है, 78.08%। तो कौन सा ऑप्शन आपका, सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। और इन चारों गैसों की यदि बात की जाए तो वायुमंडल में दो प्रकार की गैसें हैं। यदि गैसों की बात की जाती है तो दो प्रकार की गैसें हैं, कौन सी, एक तो है हल्की गैस और एक है भारी गैसें। तो ये चारों जो गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों जो गैसें हैं वो वायुमंडल की कुल गैसों की मात्रा का कितना प्रतिशत भाग है, 99% से भी अधिक भाग है। गैसों की कुल मात्रा कितनी है, 99% से भी अधिक है। तो ये चारों जो गैसें हैं वो कौन सी गैसें हैं, भारी गैसें हैं। और इसके अलावा चाहे ओजोन है, नियोन है, क्रिप्टोन है, ये सभी जो गैसें हैं वो कौन सी गैसें हैं, हल्की गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में से किसमें तापमान स्थिर रहता है। वायुमंडल की जो परतें हैं, वायुमंडल की परतों की यदि अपन चर्चा करें तो वायुमंडल की जो परतें हैं उनमें सबसे स्थिर तापमान रहने वाली जो परत है वो कौन सी है, किस परत में तापमान स्थिर रहता है। तो कौन सी परत में तापमान स्थिर रहता है, समताप मंडल में, क्योंकि जैसा नाम से भी स्पष्ट है कि सम प्लस ताप, यानी तापमान लगभग क्या रहेगा, समान रहेगा। तो निचली जो समताप मंडल है, निचली समताप मंडल या निचला जो समताप मंडल है उसमें ताप की मात्रा क्या रहती है, समान रहती है, जिसके कारण इस भाग का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, वायुयानों की उड़ान के लिए किया जाता है। वायुयानों के लिए सबसे सुरक्षित जो परत मानी जाती है, जो लेयर मानी जाती है, वो कौन सी मानी जाती है, समताप मंडल मानी जाती है। क्षोभ सीमा है, उसमें तापमान की मात्रा है वो स्थिर नहीं होगी, क्योंकि क्षोभ सीमा तो समताप मंडल और जो क्षोभ मंडल है उसके मध्य का संक्रमण क्षेत्र है, लगभग 1.5 किलोमीटर मोटाई का ये जो भाग है, ये भाग किसके रूप में माना जाता है, संक्रमण क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जिसमें कौन सी पवने प्रवाहित होती हैं, जेट स्ट्रीम पवने प्रवाहित होती हैं। और जहाँ पे पवन प्रवाह तीव्र गति से होगा, जिसमें पवनों का वेग 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है, उन पवनों को क्या कहा जाता है, जेट स्ट्रीम पवने कहा जाता है। मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होती है,
मध्य मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ क्या होगी, तापमान में वृद्धि होगी। क्षोभ मंडल ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी होती है। तो ताप की मात्रा जो समान होती है वो कौन से मंडल में होती है, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल में तापमान के गिरावट को किस रूप में जाना जाता है। क्षोभ मंडल में तापमान में जो कमी होती है, देखिए तापमान का सामान्य जो नियम है कि धरातल से प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कम होता है। तापमान का सामान्य नियम क्या है कि धरातल से प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा, और प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप का कम होना क्या कहलाता है, सामान्य ताप पतन दर कहलाता है, जिसे क्या कहा जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहा जाता है, सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है, जिसमें ऊंचाई के साथ प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान यदि कम होता है, या अपन कहें कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस यदि तापमान कम हो, तो इस ताप के कम होने की जो दर होती है उसे क्या कहा जाता है, सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। रुद्रोष्म दर क्या होती है कि ताप की वायु के साथ, वायु का जो तापमान है, वायुमंडलीय जो तापमान है उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन वो न तो ऊष्मा लेता है, न वो ऊष्मा प्रदान करता है, न वो ताप का परावर्तन करेगा, न वो ताप का अवशोषण करेगा, फिर भी उसकी मात्रा में परिवर्तन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, रुद्रोष्म दर कहा जाता है, जिसको एडियाबेटिक ताप परिवर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडियाबेटिक ताप परिवर्तन। और ये ताप जो परिवर्तन है ये भी दो प्रकार का है, एक शुष्क रुद्रोष्म ताप परिवर्तन है, एक आर्द्र रुद्रोष्म ताप परिवर्तन है। तो सामान्य ताप पतन दर कौन सा होगा, जिसमें प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, उसे सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो वायुमंडल का भाग नहीं है, कौन सा क्षेत्र है वो वायुमंडल का भाग है वो नहीं है, कौन सा क्षेत्र है वायुमंडल का भाग नहीं है। वायुमंडल के भाग की यदि अपन बात करते हैं तो आप देखिए यहां पे दिया हुआ है मध्यमंडल, मध्यमंडल जिसको मेसोस्फीयर कहा जाता है ये वायुमंडल का भाग है, समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है ये वायुमंडल का भाग है, चुंबकत्व नियंत्रण मंडल, जो चुंबकत्व नियंत्रण मंडल है ये वायुमंडल का भाग नहीं है, बाह्य मंडल, बाह्य मंडल है वो वायुमंडल का भाग है। तो कौन सा जो मंडल है वायुमंडल का भाग नहीं है, कौन सा मंडल चुंबकत्व नियंत्रण जो मंडल है ये वायुमंडल का पार्ट या वायुमंडल का भाग नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आप यहाँ डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि ये पृथ्वी, और पृथ्वी का समीपवर्ती जो भाग है, जो मंडल है वो कौन सा है, क्षोभ मंडल है, उसका ऊपरी भाग समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। तो कहीं भी चुंबकत्व नियंत्रण मंडल है वो लेयर के रूप में नहीं है, बाह्य जो वायुमंडल है उसमें, उसके ऊपरी भाग में चुंबकत्व तत्व की प्रधानता है, लेकिन वो किसके रूप में नहीं है, लेयर के रूप में नहीं है, वो मंडल के रूप में नहीं है, वो परत के रूप में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान कम होता है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान क्या होगा, कम होगा। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान है वो कम होता है, क्योंकि आपको कारण बताना है कि किस कारण से क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान है वो कम होता है। सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है कि उच्चतर ऊंचाई पर वायु कम घनी होती है, उच्चतर जो ऊंचाई होती है उसमें वायु क्या होगी, कम घनी होगी, जिसके कारण क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, नहीं। सेकंड ऑप्शन है उच्चतर स्तर पर सौर विकिरण कम होती है, बिल्कुल नहीं होगी। तीसरा है उच्चतर ऊंचाई पर वायुमंडलीय गैसें हैं वो ज्यादा होती हैं, गैसें क्या होंगी, कम होंगी।
नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि वायुमंडल धरातल से विकिरण ऊर्जा के द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल के गर्म होने की जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया से मानी जाती है, क्योंकि वायुमंडल के तापमान को यदि 100% माना जाए, वायुमंडल के तापमान को यदि अपन कितना मान लें 100% माने, तो उसका 86% जो ताप है वो किसके माध्यम से प्राप्त होता है, पार्थिव विकिरण ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त होता है। पृथ्वी से जो ताप प्रावर्तित किया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, पार्थिव विकिरण कहा जाता है। क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण। तो वायुमंडल के कुल ताप का कितना प्रतिशत, 86% ताप किसके माध्यम से प्राप्त होता है, विकिरण ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त होता है। विकिरण ऊर्जा के माध्यम से 86% ताप की प्राप्ति होती है। तो वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान कम होता है, क्योंकि वायुमंडल की गर्म होने की जो क्रिया है वो किस पर निर्भर करती है, पार्थिव विकिरण पर निर्भर करती है। अर्थात पहले धरातल गर्म होगा, धरातल के गर्म होने के बाद उसके समीपवर्ती भाग की वायु गर्म होगी और उसके बाद ऊपरी वायुमंडल है वो गर्म होता है। तो ऊपरी वायुमंडल के गर्म होने की जो क्रिया है वो संवहनीय क्रिया पर निर्भर करती है। कौन सी क्रिया पर निर्भर करती है, संवहनीय क्रिया पर वो निर्भर करती है। और संवहनीय जो धाराएं हैं, जो तरंगे हैं, वो पहले निचले भाग को गर्म करती हैं फिर ऊपरी भाग को गर्म करती हैं। इसलिए ऊंचाई में वृद्धि के साथ क्षोभ मंडल में तापमान है वो क्रमशः कम होता है, क्योंकि निचला वायुमंडल अधिक ताप की प्राप्ति करेगा, ऊपरी वायुमंडल को ताप की प्राप्ति कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है कि पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति है वो आवश्यक है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, उसकी उपस्थिति है वो आवश्यक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि CO2 जो गैस है वो एक तो आग को जलाने में यानी अग्नि के लिए सहायक मानी जाती है, और उसके साथ ताप का जो अवशोषण है, ताप का जो अवशोषण है आग के साथ, ताप का जो अवशोषण है, सबसे मुख्य जो कारक है कि ताप का जो अवशोषण है वो कौन सी गैस के द्वारा किया जाता है, ताप का जो अवशोषण है वो किसके द्वारा होता है, CO2 गैस के द्वारा। क्योंकि हरित गृह जो प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे अपन कहते हैं, उसमें सबसे अधिक जो प्रभाव है, सबसे अधिक जो मात्रा है वो कौन सी गैस की मानी जाती है, प्रधानता जो है वो कौन सी गैस की है, CO2 गैस की है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है। तो कथन है वो बिल्कुल सही है कि पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 जो गैस है उसकी उपस्थिति बिल्कुल आवश्यक है। फिर बात करते हैं कारण, क्या कारण है कि CO2 जो गैस है, अभी अपन ने बात की CO2 जो गैस है वो क्या करती है, ताप का अवशोषण करती है। बिल्कुल सही बात है। तो कारण सही है, कथन सही है, कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो ए और आर दोनों सही है, आर जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिकतम अल्बिडो उत्पन्न करती है। अब यहाँ पे देखिए बात आती है कि अल्बिडो क्या है। अल्बिडो है कि जो ताप सूर्य से किसको प्राप्त होता है, पृथ्वी को। यहाँ पे आपने कहा कि ये सूर्य और ये आप कह रहे हैं कि साहब पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी को जितना ताप प्राप्त होता है, जैसे अपन ने मान लिया कि साहब कितना ताप प्राप्त होता है, 100% ताप सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होता है, उस ताप की वो मात्रा जो वापस वायुमंडल में प्रावर्तित कर दी जाती है, जिससे न तो धरातल गर्म होता है न ही उसे वायुमंडल के गर्म होने की क्रिया होती है, उस ताप को क्या कहा जाता है, अल्बिडो कहा जाता है। तो सूर्य से जितना ताप प्राप्त होता है उसका 35% भाग है वो किसके रूप में है, अल्बिडो के रूप में है। 35% ताप वापस क्या कर दिया जाता है, वायुमंडल में प्रावर्तित कर दिया जाता है। तो शून्य से प्रावर्तित जो ताप होता है वो ताप क्या कहलाता है, अल्बिडो कहलाता है। तो कुल इकाई का 35 जो इकाई है, कुल ताप का 100% माने तो 100% ताप का 35% ताप है वो अल्बिडो के रूप में है, ठीक है साहब। अब बात आती है कि ये 35% ताप जो वापिस प्रावर्तित होता है वो सबसे अधिक किससे प्रावर्तित होता है, जो हिम है उससे 80-90% ताप है वो वापस प्रावर्तित कर दिया जाता है, हिम से 80-90%। जो मेघ हैं, जो बादल हैं, उनसे 70-80% जो ताप है वो वापस वायुमंडल में प्रावर्तित कर दिया जाता है। मरुस्थल जो हैं वहाँ से 5-25% जो ताप है वो
15 से 25% जो ताप है वो वापस वायुमंडल में परावर्तित होता है। जो वनस्पति है 5 से 15% जो ताप है, 10 भी कह सकते हैं, पर 5 से 10% जो ताप है वो प्राकृतिक वनस्पति वापस परावर्तित करती है। तो सबसे अधिक जो मात्रा है वो किसकी है, हिम की है। हिमाच्छादित जो प्रदेश हैं वो 80 से 90% ताप वापस वायुमंडल में परावर्तित करते हैं। तो अल्बिडो, कौन सी सतह अधिकतम अल्बिडो उत्पन्न करती है? तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है सघन हिमाच्छादन। तो हिम जो बर्फ है वहां से 80 से 90% ताप वापस वायुमंडल में परावर्तित हो जाता है। तो सर्वाधिक जो अल्बिडो उत्पन्न होगा वो किससे होगा? हिम से होगा, हिमाच्छादित प्रदेश से होगा। बादलों से 70 से 80% होगा, वनों से 5 से 10% होगा, मरुस्थल से 15 से 25% होगा। तो सर्वाधिक जो अल्बिडो है वो किसका है? हिम का है। जैसे यहाँ डायग्राम के माध्यम से बात करें तो सूर्य से ये ताप पृथ्वी को प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ साहब? 100% हुआ। ये ताप वापस परावर्तित कर दिया तो कितना ताप परावर्तित किया? 35% किया। इस 35 में सर्वाधिक जो मात्रा है 80 से 90% जो ताप परावर्तित होता है वो किसके माध्यम से परावर्तित किया जाता है? हिम के माध्यम से परावर्तित किया जाता है। सबसे अधिक जो ताप का परावर्तन होता है वो हिमाच्छादित क्षेत्र से होता है। जैसे कहें कि ये सूर्य है, यहाँ से ताप प्राप्त हुआ, तो ये 35% जो ताप है वो किसके रूप में है? अल्बिडो के रूप में है। सबसे अधिक 80 से ये 90% और ये लगभग अपन कहें तो 70 से 80%। और जो धरातल है, क्योंकि जलीय जो भाग है वो भी ताप का परावर्तन करता है, स्थलीय जो भाग है वो भी ताप का परावर्तन करता है। तो सबसे अधिक ताप है वो किसके द्वारा परावर्तित होता है? हिम के द्वारा, उसके बाद बादलों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वर्दी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो CFC का सीधा जो संबंध है वो किससे माना जाता है? ओजोन क्षरण से माना जाता है। ओजोन जो गैस है, ओजोन जो परत है, उसकी सुरक्षा करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि ओजोन गैस की जो मात्रा में जो कमी हो रही है, ओजोन जो परत है उसमें एक बड़ा छिद्र, अब छिद्र बात ऐसा नहीं है कि साहब वहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा हो गया, छिद्र का मतलब है कि ओजोन जो परत है जिस भाग में ओजोन गैस की प्रधानता है वहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ओजोन गैस की मात्रा में कमी हुई है, जहाँ ओजोन गैस है वो विरल हो गई है, कम हो गई है। तो वो विरल ओजोन गैस का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? ओजोन छिद्र कहा जाता है। तो ओजोन गैस का हास नहीं, उसमें कमी नहीं हो, तो ओजोन गैस के लिए सबसे विनाशक जो मानी जाती है वो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानी जाती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो संबंध है वो किसके साथ है? सीधा सा संबंध किसके साथ है? ओजोन हास के साथ है। ओजोन जो गैस है, ओजोन गैस का जो क्षरण है वो किसके कारण हो रहा है? CFC के कारण हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और यदि अपन बात करना चाहें तो ओजोन गैस का जो क्षरण है वो रोकने के लिए मॉन्ट्रियल, ये क्वेश्चन काफी पूछा भी जाता है, मॉन्ट्रियल एक समझौता हुआ है। क्या हुआ है? मॉन्ट्रियल समझौता हुआ, कब हुआ था? सितंबर 1987 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। मॉन्ट्रियल समझौते के नाम से ये प्रसिद्ध है। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल जो समझौता है वो किससे संबंधित है? तो ओजोन क्षरण को रोकने से संबंधित है। समझौता कब हुआ था? सम्मेलन कब हुआ था? सितंबर 1987 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। कौन से स्थान पे हुआ था? मॉन्ट्रियल में हुआ था। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। सूची एक में आपको लक्षण दिए हुए हैं, विशेषता दी हुई है, सूची दो में आपको मंडल दिए हुए हैं, आपको मिलान करना है कि वो विशेषता कौन से मंडल की है। तो सबसे पहली विशेषता है कि ऊंचाई के साथ तापमान कम, ऊंचाई के साथ जो तापमान कम होता है, ऊंचाई के साथ तापमान के कम होने की जो क्रिया होती है वो किस में होती है? साफ क्षोभ मंडल में होती है। ऊंचाई के साथ जो तापमान कम होगा वो किस में होगा? क्षोभ मंडल में होगा। ऊंचाई के साथ तापमान के कम होने की जो क्रिया होगी वो किस में होगी? क्षोभ मंडल में होगी। दूसरा है रेडियो तरंगों का पृथ्वी पर परावर्तन। रेडियो तरंगें जो परावर्तित होती हैं, रेडियो तरंगें जो परावर्तित होती हैं
रेडियो तरंगे जो प्रावर्तित होती हैं वो कहाँ से होती हैं? आयन मंडल से होती हैं। रेडियो तरंगों का मतलब है कि विद्युत आवेशित जो कण होते हैं जिसको आयन कहा जाता है, और वो आयन क्या करते हैं, आप जो मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं या रेडियो आप सुनते हैं, तो उसमें जो सूचना आपके पास से आ रही है, सूचना जो प्रेषित हो रही है, जो संदेश आप भेजते हैं, वो सब कहाँ से प्रसारित किए जाते हैं? आयन मंडल से प्रसारित किए जाते हैं। ओजोन गैस सघनता, ओजोन गैस की जो सघनता है वो किस में है? समताप मंडल में है। ओजोन गैस की जो सघनता है वो किस में है? समताप मंडल में है। फिर है तापमान में गिरावट का रुकना, तापमान में गिरावट का जो रुकना है वो कहाँ पे प्रारंभ होता है? क्षोभ सीमा में, क्योंकि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, क्षोभ सीमा में क्या होता है, तापमान में कमी का होना है वो रुक जाता है, और समताप मंडल में वो क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, वहाँ पे तापमान समान हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन? ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, चार, रेडियो तरंगों का प्रावर्तन आयन मंडल, ओजोन गैस की सघनता समताप मंडल, और तापमान में गिरावट का रुकना क्षोभ सीमा। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन गैस की सघनता किस ऊंचाई पर सर्वाधिक पाई जाती है? ओजोन गैस की जो सघनता है, ओजोन जो गैस है वो सबसे अधिक किस ऊंचाई पर, यदि मंडल की बात की जाती है तो समताप मंडल का ऊपरी जो भाग है, समताप मंडल का ऊपरी जो भाग है उसमें कौन सी गैस की प्रधानता है? क्योंकि निचले भाग में तापमान समान रहता है, ऊपरी भाग में ओजोन गैस की प्रधानता है, ओजोन गैस की सघनता है, तो समताप मंडल का ऊपरी जो भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पे ओजोन गैस की सघनता है। तो ओजोन गैस की जो सघनता है, ओजोन गैस की जो सघनता है वो किस ऊंचाई पर, ऊंचाई की अपन बात कर रहे हैं, तो ओजोन गैस की सर्वाधिक जो सघनता है वो कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे है? 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई का जो भाग है, 15 से 35 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें ओजोन गैस की सघनता है, सर्वाधिक ओजोन गैस की जो मात्रा है वो 15 से 35 किलोमीटर के क्षेत्र में है, और वो ही 15 से 35 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ओजोन मंडल कहलाता है। यहाँ पे यदि आप देखें तो ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल और ये समताप मंडल, और क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य का ये जो भाग है वो किसके रूप में है? ओजोन मंडल के रूप में है, जिसमें कौन सी गैस की प्रधानता पाई जाती है? ओजोन गैस की प्रधानता है वो पाई जाती है। कौन सी गैस की प्रधानता है? ओजोन गैस की प्रधानता है। यहाँ पे आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि जो समताप मंडल है और जो क्षोभ मंडल है उनके मध्य का ये जो भाग है, अपन कहें कि 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई का ये जो भाग है उसमें ओजोन गैस की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम परिवर्तन की परिघटना वायुमंडल के किस परत तक सीमित है? मौसम संबंधी जो परिवर्तन होते हैं, अब आप देखिए कि इसे यदि आप धरातल कहें तो ये धरातल का निचला जो भाग है जिसे क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो क्षोभ मंडल किसके नाम से जाना जाता है? इसको अधोमंडल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको अधोमंडल भी कहा जाता है, इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसको अधोमंडल भी कहते हैं, इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी मौसमी परिवर्तन हैं, चाहे वर्षा का होना है, आंधी तूफान का आना है, हवाओं का तेज गति से प्रवाहित होना है, मौसम संबंधी परिवर्तन जितनी भी घटनाएं हैं, चक्रवात का आना है, ठीक है, तो ये सभी जो घटनाएं हैं वो सब कौन से मंडल से संबंधित हैं? क्षोभ मंडल से संबंधित हैं। तो मौसमी जितने भी परिवर्तन होते हैं वो किस में होते हैं? क्षोभ मंडल में। आयन मंडल, आयन मंडल से रेडियो तरंगे प्रावर्तित होती हैं। ओजोन मंडल में ओजोन गैस की प्रधानता है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक प्राबैंगनी जो किरणें हैं उनका अवशोषण करती है। समताप मंडल, जिसमें तापमान समान होता है, वायुयानों के उड़ान के लिए सर्वोत्तम जो मंडल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? समताप मंडल। लेकिन मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन हैं वो सब किस में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से भी कि ये धरातल वायुमंडल का निचला भाग है जहाँ कौन से परिवर्तन है? मौसम संबंधी परिवर्तन। मध्यवर्ती भाग संताप मंडल, जिसमें वायुयानों की उड़ान से संबंधित,
आयन मंडल जहाँ से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, जो उपग्रह सैटेलाइट हैं वो सब कहाँ से संचालित होते हैं? आयन मंडल से ही संचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विषम मंडल में सबसे ऊपरी परत है? यदि वायुमंडल के रासायनिक संगठन की यदि बात की जाती है तो रासायनिक संगठन की दृष्टि से जो वायुमंडल है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है सममंडल। सममंडल में क्या क्या आता है? एक तो आता है क्षोभ मंडल, एक आता है समताप मंडल और एक आता है मध्य मंडल। और इनकी टोटल जो ऊंचाई है वो कितने किलोमीटर है? 90 किलोमीटर। वायुमंडल में 90 किलोमीटर का जो भाग है वो किसके अंतर्गत आता है? सम मंडल के अंतर्गत आता है, जिसमें क्षोभ मंडल, संताप मंडल और मध्य मंडल। फिर दूसरा है विषम मंडल। जो विषम मंडल है उसमें सबसे निचला जो भाग है वो नाइट्रोजन परत का है, उससे ऊपरी जो भाग है ऑक्सीजन परत का है, उससे ऊपरी जो भाग है हीलियम परत का है, सर्वाधिक ऊंचाई का जो भाग है वो हाइड्रोजन परत का है। यानी 90 से 200 किलोमीटर तो नाइट्रोजन परत, 200 से 1100 किलोमीटर ऑक्सीजन परत, 1100 से 3500 किलोमीटर हीलियम परत और 3500 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई का जो क्षेत्र है वो किसके रूप में है? नाइट्रोजन परत के रूप में है। तो सबसे हाइड्रोजन परत के रूप में है। तो वायुमंडल विषम जो मंडल है उसका सबसे ऊपरी जो भाग है वो कौन सा है? हाइड्रोजन, आणविक हाइड्रोजन परत का है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 3500 किलोमीटर। आणविक नाइट्रोजन जो परत है वो 90 से 200 किलोमीटर। हीलियम जो परत है वो 1100 से 3500 किलोमीटर और ऑक्सीजन जो परत है उसकी ऊंचाई है 200 से 1100 किलोमीटर। तो विषम मंडल का सबसे निचला जो भाग है वो नाइट्रोजन परत का है और सबसे ऊपरी जो भाग है वो हाइड्रोजन परत का है। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि जो रासायनिक जो संगठन है, सामान्य संगठन की यदि बात करते हैं, तापीय विशेषता, तो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। लेकिन रासायनिक संगठन के आधार पर यदि बात करें तो सममंडल और विषम मंडल। तो सम मंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और विषम मंडल में आणविक हाइड्रोजन परत, आणविक नाइट्रोजन परत, आणविक ऑक्सीजन परत और आणविक हीलियम परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन से भाग में मुक्ताभ मेघ पाए जाते हैं? देखिए मुक्ताभ मेघ हैं, उनका जो आकार है वो किसके समान है? मोतियों की माला के समान, मोतियों की माला के समान निर्मित जो बादल हैं उनको क्या कहा जाता है? मुक्ताभ मेघ कहा जाता है। और ये मुक्ताभ जो मेघ हैं वो कौन से मंडल में है? समताप मंडल में है। कि समताप मंडल का ऊपरी जो भाग है जिसमें ओजोन गैस की सघनता है वो कम है, वहां मोतियों के माला के समान जो बादलों का निर्माण होता है, उन मोतियों की माला के समान निर्मित जो बादल हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मुक्ताभ मेघ कहा जाता है। और जिनको काफी एग्जाम से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ऐसे बादलों को नेक्रियस क्लाउड कहा जाता है या इन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, इनको नेक्रियस क्लाउड भी कहा जाता है, ऐसे बादलों को मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी कहा जाता है। तो इनका आकार कैसा होता है? मोतियों की माला के समान होता है। जो कौन से मंडल, जिनको मुक्ताभ मेघ कहते हैं, ये कौन से मंडल में है? ये समताप मंडल से संबंधित है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में इस प्रकार के बादलों की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर है? विश्व में सबसे न्यूनतम जो तापांतर है वो कौन से क्षेत्रों में है? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में है, क्योंकि भूमध्य रेखा का, यानी अपन कह सकते हैं कि 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश का जो भाग है, 0 डिग्री से जैसे अपन कहें कि ये 0 डिग्री, तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसके रूप में है? न्यूनतम वार्षिक तापांतर के रूप में है।
वार्षिक तापांतर का अर्थ लिया जाता है कि ऐसे क्षेत्र जहां न्यूनतम और अधिकतम ताप का जो अंतर है वो कम होगा, क्योंकि विश्व में सबसे अधिक तापमान की जो प्राप्ति होती है, सबसे अधिक सूर्य की किरणों का जो सीधापन होता है वो कौन से क्षेत्रों में होता है, वो मध्य रेखीय क्षेत्रों में होता है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होता है। और भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ताप की प्राप्ति अधिक होने के कारण, सूर्य की किरणों का सीधापन सर्वाधिक होने के कारण वहाँ वार्षिक तापांतर क्या होगा, कम होगा। जबकि अन्य क्षेत्रों में चाहे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो 10 से 23.5 डिग्री अक्षांशों का भाग, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो, ध्रुवीय क्षेत्र हो, क्योंकि अक्षांशों में वृद्धि के साथ यदि अपन कहें 0 डिग्री से यदि 90 डिग्री अक्षांशों की ओर जाते हैं तो अक्षांशों में वृद्धि के साथ ताप की जो मात्रा होती है वो क्रमशः कम होती है, अर्थात जो तापांतर है उसमें वृद्धि होती जाती है। तापांतर में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो सबसे कम जो तापांतर होगा, न्यूनतम जो तापांतर होगा वो कौन से क्षेत्रों का होगा, भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय क्षेत्रों का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण तापमान का पृथ्वी की सतह पर वितरण को प्रभावित नहीं करता है, यानी धरातल को जो ताप की प्राप्ति होती है उसको कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। जैसा आप सभी जानते भी हैं कि धरातल का प्रत्येक जो भाग है वो समान रूप से सूर्य से ताप की प्राप्ति नहीं करता। बिल्कुल आपके दिमाग में भी ये पिक्चर क्लियर है कि धरातल के सभी भागों को समान रूप से ताप की प्राप्ति नहीं होती है। तो कौन सा कारण ऐसा है जो उस तापमान वितरण को प्रभावित नहीं करता है। अक्षांशी स्थिति, अक्षांशी स्थिति बिल्कुल ताप के वितरण को प्रभावित करती है क्योंकि अक्षांशों में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय तापमान कम होगा। दिन की अवधि बिल्कुल ताप के वितरण को प्रभावित करती है क्योंकि दिन जितना लंबा होगा, दिन की अवधि जितनी अधिक होगी, दिन बड़ा होगा ताप की प्राप्ति उतनी ही अधिक होगी। वायुमंडलीय जो भार है वो कहीं भी ताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो तापमान वितरण को प्रभावित करती है क्योंकि जो क्षेत्र जितना अधिक ऊंचाई पे होगा वहां पर धरातलीय जो तापमान है वो उतना ही कम होगा। तो कौन सा कारक है जो वायुमंडल धरातल का जो तापमान है उसको, सतह का जो तापमान उसको प्रभावित नहीं करता है, वायुमंडलीय दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय विलोमता या अपन कह सकते हैं प्रतिलोमन का अर्थ होता है उल्टा होना, विलोम ताप का जो उल्टा है। ताप का सामान्य नियम क्या था, ताप का सामान्य नियम था कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा, कम होगा। ये ताप का सामान्य नियम है। इसके विपरीत यदि ऊंचाई में वृद्धि के साथ ताप की मात्रा में क्या होने लगे, यदि वृद्धि होने लगे तो वो क्या हो जाएगा, ताप का प्रतिलोमन हो जाएगा, ताप का उल्टा हो जाएगा, वो तापीय विलोमता होगी। तो कौन सी दशा तापीय प्रतिलोमन के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए आप, तापीय प्रतिलोमन के लिए शीत ऋतु में शांत व स्वच्छ आकाश सबसे पहला ऑप्शन है कि तापीय प्रतिलोमन की जो दशा उन क्षेत्रों में उत्पन्न होगी जहां शीतकालीन रात्रि की अवधि है वो लंबी होगी, आकाश है वो स्वच्छ होगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है कि शीत ऋतु में शांत व स्वच्छ आकाश होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि शांत या स्वच्छ आकाश होगा वहां तापीय प्रतिलोमन होगा क्योंकि ऐसी स्थिति में धरातल ताप का जो प्रावर्तन है वो अधिक मात्रा में कर सकेगा। सेकंड ऑप्शन, जब धरातल हिम से ढका हो, क्योंकि जैसे अभी अपन ने बात की थी कि जो धरातल जो हिम है वो कुल प्राप्त ताप का 80 से 90% है वो वापिस प्रावर्तित कर देती है। वापिस क्या हो जाएगा, प्रावर्तित होगा, और वो प्रावर्तित ताप किस में चला जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा, धरातल को ताप की प्राप्ति कम होगी। तो ऐसे क्षेत्रों में तापीय प्रतिलोमन की जो दशा है वो उत्पन्न होगी। फिर धरातल का प्राकृतिक वनस्पति से ढका होना, धरातल का प्राकृतिक वनस्पति से ढका होना ये कहीं भी तापीय प्रतिलोमन के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि तापीय प्रतिलोमन के लिए आवश्यक नहीं है कि धरातल है वो वनस्पति से ढका हुआ हो। आकाश है वो स्वच्छ होना, आकाश है वो क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो आकाश बिल्कुल स्वच्छ है, वो स्वच्छ होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा कि धरातल का प्राकृतिक वनस्पति से ढका होना इसके लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायुमंडल की परत जो एप्लीटन परत के नाम से जानी जाती है, वायुमंडल की कौन सी ऐसी परत है जिसे एप्लीटन परत कहा जाता है? तो वायुमंडल की कौन सी परत को एप्लीटन परत कहा जाता है कि एफ जो परत है उसे क्या कहा जाता है? एप्लीटन परत कहा जाता है। तो कौन सी परत? एफ जो परत है वो एप्लीटन परत के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसकी जो खोज है वो किसने की थी? एप्लीटन मोदे ने की थी, इसलिए इसको एफ जो परत है उसको एप्लीटन परत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फारेनहाइट मापक पर कितने डिग्री के समतुल्य होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो कितने डिग्री के समतुल्य होगा? आप देखिए कि आप 0 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो 32 डिग्री फारेनहाइट, यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, 0 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो किसके बराबर होता है? 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। जीरो डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो किसके बराबर होगा? 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो कितने फारेनहाइट के बराबर होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 212 डिग्री फारेनहाइट। किसके बराबर होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 212 डिग्री फारेनहाइट। तो सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है, फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है कौन सा, 212 डिग्री का, वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है? आपके सामने जो गैस दी हुई है उसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो हरित ग्रह गैस नहीं है? तो कौन सी गैस? ऑक्सीजन जो गैस है वो हरित ग्रह गैस की श्रेणी में नहीं आती है। मिथेन गैस है, हरित ग्रह गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड है, हरित ग्रह गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हरित ग्रह गैस है, लेकिन ऑक्सीजन है वो हरित ग्रह गैस नहीं है। हरित ग्रह गैस में सबसे अधिक जो मात्रा होती है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक जो मात्रा है वो किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। सबसे अधिक जो मात्रा है, सर्वाधिक जो मात्रा है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है, उसके बाद में मीथेन की है, उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड की है। तो कहीं भी ऑक्सीजन जो गैस है वो किसके अंतर्गत नहीं आती है? हरित ग्रह गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापमान वृद्धि से संबंधित क्योटो संधि को किस वर्ष में अंगीकार किया गया? क्योटो जो संधि है उसको किस वर्ष में अंगीकार किया गया था? 1997 में। कब अंगीकार किया गया है? 1997 में। क्योटो जो संधि है वो कब अंगीकार की गई थी? 1997 में अंगीकार की गई थी, क्योंकि क्योटो जो संधि है वो कहां पे हुई थी? जापान। क्योटो जो संधि हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? जापान में हुई थी। और जापान के कौन से शहर में हुई थी? क्योटो शहर में हुई थी। इसलिए संधि को क्या कहा जाता है? क्योटो संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? क्योटो संधि कहा जाता है, जो कब हुई थी? दिसंबर 1997 में। कब हुई थी? दिसंबर 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, दृश्य जो प्रकाश है उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो कितना है? तो दृश्य जो प्रकाश है उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो कितना है? यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.4 से 0.7। कितना है तरंग दैर्ध्य? 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो कितना है? 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय जो गैस है वो कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है
तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, निष्क्रिय जो गैस है वो कौन सी है? यदि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस की यदि बात की जाए तो कौन सी है? ऑर्गन है। ऑर्गन गैस की जो मात्रा है ऑर्गन गैस की जो मात्रा है वो कितनी है? 0.93। ऑर्गन गैस की जो मात्रा है वो कितनी है? 0.93%। ऑर्गन गैस की जो मात्रा है वो कितनी है? 0.93। जबकि नियोन गैस की जो मात्रा है वो कितनी है? 0.0081%। नियोन गैस की मात्रा है वो कितनी है? 0.0081। ओजोन गैस की जो मात्रा है वो कितनी है? 0.00001%। तो सबसे अधिक निष्क्रिय जो गैस है वो इन गैसों को, निष्क्रिय जो गैस है उनको दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? इनको ट्रेस गैसें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको ट्रेस गैसें भी कहा जाता है। तो सर्वाधिक जो मात्रा है वो किसकी है? ऑर्गन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आकाश में लाल व नारंगी रंग की आभा का जो निर्माण होता है उसकी उपस्थिति किस कारण से होती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यदि आपने सूर्य का धरातल यदि आपने देखा है, सूर्य के चारों ओर जो लालिमा लाल रंग का आवरण जो आपको दिखाई देता है वो आवरण किस कारण से है, किसकी उपस्थिति के कारण है? तो उस आवरण का जो निर्माण है वो किसके कारण हुआ है? धूल कणों के कारण, क्योंकि धूल कणों से टकराकर, क्योंकि वायुमंडल में जो धूल कण हैं वो किस प्रकार के धूल कण हैं? आर्द्रता ग्राही धूल कणों की प्रधानता होती है और वे आर्द्रता ग्राही जो धूल कण हैं उनसे टकराकर सूर्य का जो प्रकाश है वो विसरित होता है, फैलता है, जिसके कारण सूर्य का जो धरातल है, सूर्य के चारों ओर का जो भाग है वो किस रंग का दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। और एक आपने देखा होगा कि सूर्य के सामने का जो भाग है वहां पे सप्तरंगी आभा का निर्माण होता है जिसको क्या कहा जाता है? इंद्रधनुष कहा जाता है। तो सप्तरंगी आभा या इंद्रधनुष आकृति का जो निर्माण है वो किसके कारण होता है? जलवाष्प के कारण। इंद्रधनुष का जो निर्माण होगा, सप्तरंगी आभा का जो निर्माण होगा वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जलवाष्प की। और सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का धरातल जो लाल रंग का दिखाई देता है वो किसके कारण होता है? वो किसके कारण होता है? धूल कणों के कारण होता है। या डायग्राम के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर ये लाल जो आवरण आप देख पा रहे हैं ये किसकी उपस्थिति के कारण है? धूल कणों की उपस्थिति कारण है। यहाँ ये सूर्य की स्थिति आप देख रहे हैं, उसके चारों ओर का भाग आपको लाल दिखाई दे रहा है, ये भी किसके कारण है? धूल कणों के कारण। ये इंद्रधनुषी आभा, सप्तरंगी आभा आपको जो दिखाई दे रही है ये किसके कारण है? जलवाष्प की उपस्थिति कारण है, कि वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है उसके कारण इंद्रधनुषी आभा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयन मंडल में पाई जाने वाली किस परत को केनली हेविसाइड परत कहा जाता है? केनली हेविसाइड परत, क्योंकि उस परत का जो नामकरण है या उस परत की जो खोज है वो केनली हेविसाइड महोदय ने की थी। केनली जो यूएसए के हैं और हेविसाइड जो इंग्लैंड के हैं। केनली यूएसए के केनली और इंग्लैंड के जो हेविसाइड हैं इन्होंने इस परत की खोज की थी। कौन सी परत की? ई जो परत है जिसको केनली हेविसाइड परत कहा जाता है, क्योंकि एफ परत की जो खोज है तो एफ परत की जो खोज है वो किसने की थी? एफ प्लेटन महोदय ने की थी, जिसके कारण इसको एफ प्लेटन परत कहा जाता है। एफ जो परत है एफ प्लेटन परत, जबकि ई परत है उसको केनली हेविसाइड परत है वो कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण यदि अपन बात करते हैं कि सबसे निचली जो परत है ये डी जो परत है ये सूर्यास्त के साथ ही क्या हो जाती है? समाप्त तो हो जाती है, क्योंकि ये परत केवल किसमें दिखाई देती है? दिन में। रात्रि के समय ई और एफ जो परत है केवल ये ही रात्रि के समय दिखाई देती है, और डी जो परत है ये क्या हो जाती है?
सूर्योदय के साथ ही ये क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है कि कौन सी परत सूर्यास्त के साथ ही समाप्त हो जाती है, तो कौन सी परत, डी जो परत है, ई और एफ जो परत है वो रात्रि के समय भी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करें, तो सूची एक में आपको परत दी हुई है, सूची दो में आपको ऊंचाई दी हुई है। तो अरोरा जो बोरिलिस है वो कौन से, किससे संबंधित है, उत्तरी ध्रुव ज्योति से संबंधित है। अरोरा ऑस्ट्रेलिस किससे संबंधित है, दक्षिणी ध्रुव ज्योति। और वोन एलेन रेडिएशन जो बेल्ट है वो किसको कहा जाता है, आयन मंडल को कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये अरोरा क्या है, अरोरा क्या है कि रात्रि के समय सूर्य के चारों ओर, या सूर्य के चारों ओर नहीं, जो ध्रुव हैं उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव हैं, उन ध्रुवों पर लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है। उन ध्रुवों पर क्या देता है, लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है। लाल रंग की जो आभा है अर्धरात्रि के समय दिखाई देती है, उस लाल रंग की आभा को क्या कहा जाता है, अरोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरोरा कहा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव पर उस प्रकार का जो लाल प्रकाश है उसको, उत्तरी ध्रुव पर उसे क्या कहा जाता है, अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर उसे क्या कहा जाता है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। और आयन मंडल में विशेष प्रकार के जो आयन हैं, विद्युत आवेशित जो कण हैं, जिनको आयन कहा जाता है, विद्युत आवेशित कण, विद्युत आवेशित जो कण हैं जिनको आयन कहा जाता है, उनकी प्रधानता का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, वोन एलेन रेडिएशन बेल्ट कहा जाता है। क्योंकि उस क्षेत्र की खोज है वो किसने की थी, वोन एलेन ने की थी, जिसके कारण उस मंडल को क्या कहा जाता है, वोन एलेन रेडिएशन बेल्ट है वो कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। इसमें से क्वेश्चन है वो काफी पूछे जाते हैं। ये उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव का क्षेत्र है जिसके ऊपर इस प्रकार का लाल नीले रंग का जो प्रकाश है वो दिखाई देता है, जिसको अरोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन एक को कथन दो के साथ सुमेलित करना है। कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। कथन क्या दिया हुआ है कि समताप मंडल के ऊपरी भाग में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। समताप मंडल का ऊपरी जो भाग है जहां ओजोन गैस की प्रधानता है, जहां पे कौन सी गैस की प्रधानता है, ओजोन गैस की प्रधानता है, वहां ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है साहब, कथन है वो बिल्कुल सही है। फिर एक कारण क्यों है, ऊंचाई के साथ समताप मंडल के ऊपरी भाग में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि क्यों होती है, क्यों होती है कि वहां पे ओजोन गैस की सघनता है। तो जो कारण है वो भी सही है, तो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि समताप मंडल के ऊपरी भाग में कौन सी गैस की प्रधानता है, ओजोन गैस की प्रधानता है, और ओजोन गैस है वो क्या करती है, सूर्य से आने वाला जो ताप हानिकारक प्राग्निक जो किरणें हैं उनका अवशोषण करती है, और अवशोषण करने के कारण उस भाग में ताप की अधिकता होती है, जिसके कारण ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का कितना भाग पृथ्वी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करती है। आप देखिए कि सूर्य के धरातल से जितनी ऊर्जा प्रावर्तित होती है उसको यदि आप 100% मान लें, तो उसका 35% जो भाग है वो किसके रूप में होता है, अल्बिडो के रूप में। 35% भाग क्या हो गया, अल्बिडो हो गया। तो शेष भाग कितना बचा, 65%। 65 में से साहब 14% जो ताप है वो क्या हो जाता है, जलवाष्प के द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो 65 में से 14% भाग का वायुमंडल में जलवाष्प के द्वारा अवशोषण हो गया, तो कितना प्रतिशत ताप पृथ्वी को प्राप्त होगा, 51% ताप। कितना प्रतिशत ताप, 51% जो ताप है वो पृथ्वी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। 51% ताप की प्राप्ति है वो किसको होगी, पृथ्वी को होगी। यहां पे आप देख सकते हैं कि सूर्य के धरातल से 100% ताप प्रावर्तित हुआ, तो पृथ्वी को कितना प्राप्त होगा, 51% ताप की प्राप्ति होगी। वायुमंडल को कितना प्रतिशत ताप प्राप्त होता है, 48% ताप प्राप्त होगा। तो पृथ्वी को 51 और वायुमंडल को 48% ताप की प्राप्ति होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण ऊर्जा का वह भाग जो किसी पृष्ठ से परावर्तित होता है कहलाता है। विकिरण ऊर्जा का वह भाग यानी सूर्य के धरातल से जो ऊर्जा परावर्तित होती है वो किसके रूप में होती है? विकिरण ऊर्जा के रूप में। और विकिरण ऊर्जा का वो भाग जो किसी पृष्ठ से परावर्तित होगा, तो जो परावर्तित होगा उसको क्या कहा जाता है? अल्बिडो कहा जाता है। तो कितना प्रतिशत ताप अल्बिडो के रूप में है? 35% ताप। तो ठीक है साहब कि जो सूर्य विकिरण ऊर्जा का जो भाग किसी पृष्ठ से परावर्तित होगा उसे क्या कहा जाएगा? अल्बिडो कहा जाएगा। और कितना प्रतिशत ताप है वो अल्बिडो के रूप में है? 35% सूर्य ताप। तो विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप के रूप में होगा, अपवर्तन परावर्तन होता है। फिर है सौर स्थिरांक, इसका काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। सौर स्थिरांक क्या होता है? कि सूर्य के धरा सूर्य से जो विकिरण ऊर्जा धरातल को स्थायी रूप से प्राप्त होती है, स्थिर रूप से प्राप्त होती है, नियमित रूप से प्राप्त होती है, उसे क्या कहा जाता है? सौर स्थिरांक कहा जाता है। कि सूर्य के ताप की विकिरण ऊर्जा की स्थिर जो मात्रा है वो सौर स्थिरांक है। और उसकी मात्रा कितनी है? 1.94 कैलोरी। कितनी है? 1.94 कैलोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसौर व उपसौर की घटना कब घटित होती है? अब आप देखिए कि इसे अपन कहें कि ये सूर्य, ये पृथ्वी और ये पृथ्वी। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य की औसत जो दूरी है वो कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। सामान्य जो दूरी है कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। जब इन दोनों के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है तो वो स्थिति क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है। और उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी कितनी हो जाती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। और उपसौर की जो स्थिति आती है वो प्रतिवर्ष कब आती है? 3 जनवरी को। ठीक है साहब। फिर बात आती है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की अधिकतम जो दूरी है, तो अधिकतम दूरी की स्थिति क्या कहलाती है? अपसौर कहलाती है। और अपसौर की जो स्थिति होगी उसमें सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 15.2 करोड़ किलोमीटर। और ये स्थिति कब आती है? 4 जुलाई को। प्रतिवर्ष 4 जुलाई को क्या होगा? अपसौर होगा। और 3 जनवरी को क्या होगा? उपसौर होगा। तो 4 जुलाई और 3 जनवरी, 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी होगी वो 15.2 करोड़ किलोमीटर, और उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी होगी वो 14.7 करोड़ किलोमीटर, और सामान्य जो दूरी होती है वो कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं ये सूर्य है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है 14.71 करोड़ किलोमीटर। तो 14.71 करोड़ किलोमीटर का जो भाग है वो किसके रूप में है? उपसौर के रूप में है। और उपसौर की जो स्थिति आती है वो कब आती है? 3 जनवरी को। ये अधिकतम दूरी की स्थिति, अधिकतम दूरी की स्थिति में क्या होगा? 15.21 करोड़ किलोमीटर। और ये स्थिति क्या कहलाती है? ये अपसौर कहलाती है। और अपसौर की जो स्थिति आती है वो प्रतिवर्ष कब आती है? 4 जुलाई को आती है। और सामान्य जो दूरी है वो कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम पवने वायुमंडल के किस मंडल में प्रवाहित होती है? जेट स्ट्रीम जो पवने हैं यानी धरातल से लगभग 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली जो पवने हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम कहा जाता है। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में लगभग 8 से 12 किलोमीटर ऊंचाई में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली जो पवने हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो जेट स्ट्रीम जो पवने हैं वो कौन से क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं? क्षोभ सीमा में प्रवाहित होती हैं। ये आप देखिए कि ये ट्रोपोस्फेयर यानी ये क्षोभ मंडल है, और
ये समताप मंडल है, ये समताप मंडल है, और उसके मध्य में ये जेट स्ट्रीम पवने प्रवाहित होती हैं। ये जेट स्ट्रीम पवने हैं उसके मध्य में प्रवाहित होती हैं, जो किस में प्रवाहित होती हैं, क्षोभ सीमा। और क्षोभ सीमा में इनका जो वेग होता है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहता है। और कौन सी दिशा में, ये पश्चिम से ये पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं, जिन्हें जेट स्ट्रीम पवने कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयन मंडल की कौन सी परत सूर्यास्त के साथ लुप्त हो जाती है? कौन सी परत? डी जो परत है, डी जो परत है, सबसे आयन मंडल की सबसे निचली जो परत है, जहां से दीर्घ रेडियो तरंगों का प्रावर्तन होता है, दीर्घ रेडियो तरंग। ई जो परत है, इससे मध्यम रेडियो तरंगे प्रावर्तित होती हैं, मध्यम रेडियो तरंग। और एफ जो परत है, इसे लघु रेडियो तरंगे प्रावर्तित होती हैं। आप जो भी प्रसारण जो आप देखते हैं, जो दूरदर्शन है, या जो आपका रेडियो है, या जो आकाशवाणी है, उनको जो भी सूचना प्राप्त होती है, जो सिग्नल प्राप्त होते हैं, वो कौन सी परत से होते हैं? ए परत से होते हैं। रेडियो 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 तरंगों के माध्यम से प्रसारण है वो होता है। तो सूर्यास्त के साथ कौन सी परत है वो लुप्त होती है? डी। जबकि ई और एफ जो परत है वो रात्रि के समय भी दिखाई देती है। ये डी जो परत है, ये क्या होगी? सूर्यास्त के साथ में ये समाप्त हो जाएगी, यानी ये जो परतें हैं ये दिन में दिखाई देती हैं, और ये जो परतें हैं ये रात्रि के समय। तो ई और एफ रात्रि के समय भी दिखाई देती है, जबकि डी जो परत है ये रात दिन के समय ही दिखाई देती है। रात्रि के समय ये क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर आयन मंडल से प्रावर्तित कौन सी रेडियो तरंगे धरातल तक संदेश प्रेषित करती हैं? अभी अपन ने बात की है कौन सी तरंगे, लघु जो रेडियो तरंगे हैं, जो कौन सी परत में हैं? एफ परत में हैं। तो एफ जो परत है, जिसको एप्लीटन परत कहा जाता है, वहां से लघु रेडियो तरंगों का प्रावर्तन है वो किया जाता है। तो आयन मंडल से धरातल पर जो रेडियो तरंगे प्रावर्तित होती हैं, जो संदेश प्रेषित होता है, वो किसके माध्यम से? लघु रेडियो तरंगों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के विकिरण के प्रकीर्णन की प्रक्रिया तथा उसके बहुआयामी प्रभाव का गहन अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? सूर्य के विकिरण के प्रकीर्णन की प्रक्रिया और उससे के बहुआयामी प्रभाव का सर्वप्रथम जो अध्ययन है वो किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड रेले के द्वारा। इसलिए सूर्य के विकिरण को किस नाम से जाना जाता है? रेले विकिरण के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के विकिरण को दूसरे किस नाम से संबोधित किया जाता है? रेले विकिरण, क्योंकि इनका सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था वो किसने किया था? रेले महोदय ने किया था, यानी लॉर्ड रेले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु तरंग सूर्य के विकिरण का कितना भाग वायुमंडल में शून्य से प्रावर्तित होता है? लघु रेडियो जो तरंगे हैं उसका कितना भाग वायुमंडल में शून्य से प्रावर्तित कर दिया जाता है? कितना भाग? 35% भाग। और वो 35% भाग किसके रूप में है? अल्बिडो के रूप में। वो 35% भाग किसके रूप में है? अल्बिडो के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसोर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल के ताप की स्थिति क्या होगी? अपसोर की जब स्थिति होती है, यानी सूर्य पृथ्वी से जब अधिकतम दूरी पर जब स्थित होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो ग्रीष्म काल होगा उसमें ताप की यानी गर्मी की स्थिति क्या होगी? तो जब अपसोर की स्थिति होगी तो धरातल को, क्योंकि दूरी जितनी अधिक होगी ताप की प्राप्ति उतनी ही कम होगी। जैसे अपन कहें कि ये पृथ्वी है और ये सूर्य है और ये सूर्य है, दूरी जब कम है तो सूर्य से धरातल को ताप की प्राप्ति क्या होगी? अधिक होगी। और दूरी जब अधिक है तो ताप की प्राप्ति क्या होगी? कम होगी। तो गर्मियां, अपसोर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में जो गर्मियां होंगी, जो गर्मी होगी, जो ताप की प्राप्ति होगी, वो क्या होगी? 7% कम होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 7% ताप की प्राप्ति अधिक होगी। यानी जितना ताप उत्तरी गोलार्ध को प्राप्त होना चाहिए वो 7% कम होगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध को 7% ताप की प्राप्ति क्या होगी? अधिक होगी, क्योंकि
क्योंकि दूरी अधिकतम है तो धरातल को ताप की प्राप्ति भी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है सूची एक को सूची दो के साथ। टेम्परेचर दिया हुआ है सूची एक में, दूसरे में उसकी विशेषता दी हुई है। तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर, प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि है। प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि होगी, तो ये नियम किसका है? गहराई के साथ ताप में वृद्धि का है। जैसे अपन कहें कि ये धरातल, और धरातल से यदि गहराई में जाते हैं, आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का टॉपिक पढ़ा है, आंतरिक संरचना का आपने टॉपिक पढ़ा है, तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो क्या होगी? वृद्धि होगी। तो गहराई के साथ ताप में वृद्धि होती है, और वृद्धि होने की दर क्या है? प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो बढ़ता है। ठीक है साहब। फिर है सेकंड, प्रति 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी। वृद्धि होगी 10 डिग्री सेल्सियस ताप में, क्या होगी? वृद्धि होगी 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि होगी। दस डिग्री सेल्सियस ताप में यदि वृद्धि होगी तो वो जो स्थिति होगी वो कौन सी होगी? शुष्क, शुष्क रेडियो बेटिक तापमान होगा, यानी शुष्क रुद्रोष्म ताप की जो दर होती है कि वायु जब ऊपर उठती है या नीचे बैठती है, तो घर्षण के साथ प्रति 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान यदि कम होता है, यदि 10% ताप में यदि वृद्धि होती है, तो वो कौन सा रुद्रोष्म ताप परिवर्तन होगा? वो शुष्क होगा। फिर है प्रति 1000 मीटर पर 6 डिग्री सेल्सियस ताप में यदि वृद्धि होती है, इसमें ताप उस समय थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप अपने पेपर में बिल्कुल सही है वो मिलान आप कर लेना। तो प्रति 1000 मीटर पर 6 डिग्री सेल्सियस तापमान यदि वृद्धि होती है तो वो कौन सा होगा? आर्द्र रुद्रोष्म ताप परिवर्तन होगा, आर्द्र रेडियोबेटिक ताप होगा। फिर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान यदि कम होता है, प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान यदि कम होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। तो इसके अनुसार यदि अपन बात करते हैं तो आपका कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा? एक, दो, तीन और चार, क्योंकि चारों संगत है। प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी, वो नियम किसका है? गहराई में साथ, गहराई के साथ ताप में वृद्धि का है। प्रति 1000 मीटर पर 10 डिग्री टेम्परेचर ताप में वृद्धि होती है, कौन सा रुद्रोष्म है? शुष्क रुद्रोष्म है, शुष्क एडियाबेटिक ताप परिवर्तन है। प्रति 1000 मीटर पर 6 डिग्री सेल्सियस तापमान में परिवर्तन होता है तो कौन सा है? आर्द्र रेडियोबेटिक ताप परिवर्तन है। और प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस, कितना? 6.5 डिग्री सेल्सियस यदि तापमान कम होता है तो उसे क्या कहा जाता है? सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। कि ऊंचाई का नियम है कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा, और प्रति 1000 मीटर पर इसकी जो दर होती है वो कितनी होती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस होती है। कई बार क्वेश्चन 1000 मीटर के आधार पर पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन 100 मीटर के आधार पर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान की दृष्टि से वायुमंडल की सबसे बड़ी परत कौन सी है? तो द्रव्यमान की दृष्टि से यदि बात की जाती है तो सबसे बड़ी परत है वो किसको माना जाता है? क्षोभ मंडल को माना जाता है। और वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 75% जो भाग है वो कौन सी मंडल के अंतर्गत आता है? क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की बाहरी सीमा पर, वायुमंडल की बाहरी जो सीमा है उस पर प्रति मिनट, प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है? वायुमंडल का बाहरी जो भाग है वहां पर प्रति मिनट, प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितनी ऊष्मा है वो प्राप्त होती है? तो कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है? 1.94 कैलोरी, जिसे क्या कहा जाता है? सौर स्थिरांक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? सौर स्थिरांक कहा जाता है। सौर स्थिरांक क्या है? कि ताप की स्थिर जो मात्रा है, सौरीय ताप की
स्थिर जो मात्रा है उसे क्या कहा जाता है, शोर स्थिरांक कहा जाता है, जिसकी दर क्या है 1.94 किलोरी प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से वायुमंडल को प्राप्त होने वाले ताप की सर्वाधिक मात्रा किस क्रिया से प्राप्त होती है? पृथ्वी से वायुमंडल को, जैसे अपन कहें कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी से वायुमंडल को जो ताप प्राप्त होता है वो कौन सी तरंगों के माध्यम से होता है? दीर्घ तरंगों के माध्यम से। पृथ्वी जो प्राप्त करती है वो तो कौन सी तरंगों के माध्यम से करती है? लघु तरंगों के माध्यम से। और जो ताप प्रावर्तित किया जाता है वो कौन सी तरंग के माध्यम से होता है? दीर्घ तरंगों के माध्यम से। अब वायुमंडल के तापमान को यदि 100% माना जाए, वायुमंडल के तापमान को कितना मान लें, 100% मान लें, तो संवहन क्रिया से कितना प्रतिशत ताप, 83% ताप, संचालन से 1% ताप और विकिरण ऊर्जा से कितना प्रतिशत, 2%, टोटल कितना हो गया 86% ताप, कितना 86% और 14% ताप का वायुमंडल क्या करता है, जलवाष्प के द्वारा अवशोषण करता है, तो 86 + 14 कितना हो जाएगा 100% तापमान। तो सबसे अधिक ताप की जो प्राप्ति होती है वायुमंडल को वो कौन सी क्रिया से होती है, संवहन क्रिया से होती है, और कितना प्रतिशत ताप प्राप्त करता है 83%, 1% तापमान है संचालन के द्वारा, 2% ताप है वो विकिरण क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, सूची एक में अल्बिडो की मात्रा, सूची एक में अल्बिडो की मात्रा दी हुई है, सूची दो में सतह दी हुई है, अल्बिडो है प्रावर्तित जो ताप है और कौन सी सतह से कितना प्रावर्तित किया जाता है, तो आप देखिए कि 2 से 3% जो ताप का प्रावर्तन है, 2 से 3% जो ताप प्रावर्तित होता है वो कहाँ से किया जाता है, जल से। 2 से 3% जो ताप है वो कहाँ से प्रावर्तित होता है, जल से। 3 से 10% जो तापमान है वो कहाँ से प्रावर्तित किया जाता है, वनों से। 40 से 80% जो तापमान है वो कहाँ से प्रावर्तित किया जाता है, बादलों से। और 75 से 90% जो ताप है वो कहाँ से प्रावर्तित किया जाता है, हिम से प्रावर्तित किया जाता है। पहले के क्वेश्चन में भी अपने चर्चा की है कि 80 से 90% जो तापमान है वो कहाँ से प्रावर्तित होता है, हिम से। सर्वाधिक ताप का जो प्रावर्तन है, सर्वाधिक ताप को लौटाने की जो क्रिया होती है, सर्वाधिक जो अल्बिडो है वो कौन सी सतह से माना जाता है, हिम से माना जाता है। और हिम के बाद में दूसरा जो स्थान आता है वो बादलों का आता है। तो सर्वाधिक जो अल्बिडो है वो किसके रूप में है, हिम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयन मंडल की किस परत से रेडियो की लघु तरंगे प्रावर्तित होती हैं, लघु तरंगों का जो प्रावर्तन है वो कौन सी तरंग से किया जाता है, कौन सी तरंग से किया जाता है, एफ परत, जिसको क्या कहा जाता है, एप्लीटन परत भी कहा जाता है। डी जो परत है इससे दीर्घ रेडियो तरंगे, ई जो परत है इससे मध्यम रेडियो तरंगे, और एफ जो परत है इससे लघु, मध्यम और दीर्घ जो तरंगे हैं, मिश्रित जो तरंगे हैं, ये प्रावर्तित होती हैं। और जैसे पहले भी अपन ने बात की थी कि जो एफ जो परत है, ई जो परत है उसे क्या कहा जाता है, केनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वायुमंडलीय परत विषम मंडल का अंग है, जो वायुमंडलीय परत विषम मंडल का अंग है, विषम मंडल एक तो अपने बात की थी सममंडल की, सममंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और मध्य मंडल, इन तीनों को यदि छोड़ दिया जाए तो क्षोभ मंडल सममंडल में है, मध्य मंडल सममंडल में है, आयन मंडल है ये किसका भाग नहीं है, सममंडल का भाग नहीं है, समताप मंडल है ये सममंडल का भाग है, क्योंकि तीनों जो परत है, जो सममंडल है वो कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की शुद्ध व शुष्क
वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का संयुक्त प्रतिशत कितना है? तो संयुक्त प्रतिशत है वो कितना है, 99% से अधिक है, क्योंकि नाइट्रोजन कितना है 78.08 प्लस, ऑक्सीजन कितना है 20.94 प्लस, का सी ओ टू कितना है 0.03%। तो संयुक्त जो मात्रा है वो कितनी है, 99% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन का आपको चुनाव करना है कि कौन सा कथन है वो बिल्कुल सत्य है। सबसे पहला कथन है कि मध्य मंडल के सीमांत पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। तो जो मध्य मंडल है वहां पे तापमान कितना रहता है, -80 डिग्री से -100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो प्रथम जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है कि जो मध्य मंडल है, जो मेसोस्फेयर है, वहाँ तापमान कम होकर कितना हो जाता है, -80 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। मध्य मंडल में तापमान समान रहता है, बिल्कुल नहीं। मध्य मंडल में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, बिल्कुल नहीं। मध्य मंडल में तापमान विचल रहता है, नहीं। तो मध्य मंडल में तापमान -80 डिग्री से -100 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ सीमा का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया, क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। आप देखिए कि क्षोभ मंडल प्लस समताप मंडल, इन दोनों मंडलों का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया है, टिजरेंस डी बर्ट के द्वारा, और कब किया था, 1902 में। क्षोभ मंडल और समताप मंडल का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया है, टिजरेंस डी बर्ट के द्वारा, जबकि क्षोभ सीमा का जो नामकरण है वो किसने किया था, नेपियर सा ने। क्षोभ मंडल और समताप मंडल का जो नामकरण है वो किसने किया था, टिजरेंस डी बर्ट ने, जबकि जो क्षोभ मंडल समताप मंडल के मध्य लगभग ये 1.5 किलोमीटर का जो भाग है, नेपियर सा है ये, नेपियर सा। तो 1.5 किलोमीटर का जो भाग है, जो संक्रमण क्षेत्र है, जो मिश्रित क्षेत्र है, जिसको क्षोभ सीमा कहा जाता है, जिसमें जेट स्ट्रीम पवने प्रवाहित होती है, इसका नामकरण किसने किया था, नेपियर सा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ठंडा क्षेत्र किस मंडल में विद्यमान है, सबसे वायुमंडल की यदि बात की जाती है तो सबसे ठंडा जो मंडल है, अभी अपन ने बात की थी कि -80 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो कौन से मंडल का रहता है, मध्य मंडल का। -80 डिग्री से -100 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो किसका है, मध्य मंडल का। और मध्य मंडल ही किस नाम से जाना जाता है, सबसे ठंडे मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्षोभ मंडल का जो तापमान है लगभग -45 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस, समताप मंडल का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस, बहिर्मंडल का जो तापमान है वो 1460 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो कौन सा मंडल, मध्य मंडल, जिसका तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे ठंडा जो मंडल है वो कौन सा है, मध्य मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस गैसों का अपेक्षित योगदान ग्रह हरित ग्रह प्रभाव पर कितने प्रतिशत है, ट्रेस जो गैसें हैं, ट्रेस गैसें अपन कहते हैं कि जो हल्की गैसें हैं जिसका योगदान हरित ग्रह प्रभाव में होता है, जैसे अपन कहें कि नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑर्गन है, ये गैसें किसके अंतर्गत आती हैं, ट्रेस गैसों के अंतर्गत आती हैं, और हरित ग्रह प्रभाव में इन ट्रेस गैसों का जो योगदान है वो कितना है, लगभग 60% से अधिक है। और वैसे यदि देखा जाता है तो ट्रेस गैसों में सर्वाधिक जो मात्रा होती है वो किसकी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुवीय सुमेर ज्योति कौन से मंडल में उत्पन्न होती है, जो सुमेर ज्योति है, जो ध्रुवों के चारों ओर लाल रंग का जो प्रकाश या जो आभा जो दिखाई देती है, जिसको क्या कहा जाता है, वायुदीप्ति कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वायुदीप्ति कहा जाता है। ये वायुदीप्ति जिसको अरोरा भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अरोरा,
अरोरा कहते हैं। तो ये कौन से मंडल में है? दोनों ही आयन मंडल से संबंधित हैं, उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिण ध्रुव ज्योति। तो उत्तरी ध्रुव ज्योति को क्या कहा जाता है? अरोरा बोरियालिस। और दक्षिण ध्रुव ज्योति को क्या कहा जाता है? अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। तो किससे संबंधित है? आयन मंडल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रुद्रोष्म शीतलन यानी एडियाबेटिक कूलिंग की दर आकस्मिक रूप से कम हो जाए तो इसका अर्थ क्या होगा? यदि रुद्रोष्म शीतलन एडियाबेटिक यदि कूलिंग है वो आकस्मिक रूप से क्या हो जाए? कम हो जाए, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है यदि रुद्रोष्म एडियाबेटिक है वो कूलिंग है यदि कम होनी प्रारंभ हो जाती है, आकस्मिक रूप से यदि कम होती है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि वहाँ पे संघनन की जो क्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। अर्थात जो जलवाष्प है वो जल कणों के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। जलवाष्प जब संगठित होने लग जाए, जलवाष्प का संगठित होना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। तो कौन सी क्रिया का संकेत माना जाता है? संघनन की क्रिया का संकेत माना जाता है यदि रुद्रोष्म शीतलन की जो दर है वो आकस्मिक रूप से यदि कम हो जाए। लास्ट क्वेश्चन, हवा के फैलने व सिकुड़ने से होने वाला ताप परिवर्तन क्या कहलाता है? क्योंकि ऐसा ताप परिवर्तन न तो वो ताप को ग्रहण करता है, ताप का अवशोषण करता है, न वो ताप का परावर्तन करता है, फिर भी उसके ताप की मात्रा में यदि परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एडियाबेटिक परिवर्तन, जिसको रुद्रोष्म ताप परिवर्तन भी कहते हैं। जिसको क्या कहा जाता है? रुद्रोष्म ताप परिवर्तन भी कहा जाता है, जिसको एडियाबेटिक ताप परिवर्तन भी कहा जाता है, कि हवा के फैलने और सिकुड़ने के फलस्वरूप यदि ताप की मात्रा में यदि परिवर्तन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? एडियाबेटिक ताप परिवर्तन कहते हैं। तो ये वीडियो सॉल्यूशन था आपके 3 मार्च को जो आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसका वीडियो सॉल्यूशन। और मैं अपना जो YouTube चैनल है उस पर काफ़ी वीडियो उपलब्ध हैं कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी है। कुछ क्यूरीज मेरे पास आई थी कि सर किसके लिए कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी बुक लेके आनी है, कौन सी राइटर के लेके आनी है, तो पूरा विवरण एक वीडियो के माध्यम से उसमें दिया हुआ है। तो मेरा YouTube जो चैनल है वो आप नोट कर सकते हैं, बुडानिया ज्योग्राफी क्लासेज, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे वीडियो दिए हुए हैं, वो वीडियो आप देखें। तो आपको क्या सहायक सामग्री आपको अध्ययन के साथ में लेनी है, कौन सी बुक, केवल मैंने उन्हीं बुकों की चर्चा की है जो होनी आपके लिए अत्यंत आवश्यक हैं और आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएंगी। तो मैं YouTube चैनल पे पूरा विवरण दिया हुआ है, आप इसको लाइव शेयर करें, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, आने वाली जो वीडियो है वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे जल्दी ही। मेरा जो ऐप है इसी नाम से ऐप है, बुडानिया ज्योग्राफी क्लासेज के नाम से, वहाँ पे लाइव क्लासेज है फर्स्ट ग्रेड के लिए ऑनलाइन, वो आपके लिए प्रारंभ की जाएंगी। जो भी आपका और कन्फ्यूजन रहता है वो उन क्लासेज के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा।